हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, वी लर्न द टॉपिक माई सेल्फ। ओके, हमने माई सेल्फ टॉपिक पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस टॉपिक। ओके, आज हम उस टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर लिखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक आउट फोर लाइंस नोटबुक। स्टूडेंट्स, टेक आउट फोर लाइंस 200 पेजेस नोटबुक एंड ओपन योर नोटबुक। आपको फोर लाइंस की 200 पेजेस नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक में आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है। You have to write the heading here. Myself, MYSELF, myself. Okay, and here you have to write the date of today. Okay, यहाँ पे आपको आज की डेट लिखनी है। Okay students, so first question is, we will write our first question. So here you have to write QUE. It means question. Okay? यहाँ पे हम question लिखने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, QUE. Okay? Question का short form है। Now I will write question here. So first question is, what is your name? You have to write here WHAT, what. Okay, and then you have to give some gap here. आपको यहाँ पे gap लेना है, and then you have to write IS, is. What is, फिर से आपको gap देना है, space छोड़नी है थोड़ी सी, और फिर लिखना है YOUR, your. फिर थोड़ा सा गैप देके आपको लिखना है NAME, name. What is your name? And then you have to give the question mark. This is the question mark. ये क्या है? Question mark. जब भी हम कोई question लिखते हैं तो उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क देना होता है। ओके, ऐसे थोड़ा सा उल्टा यस होता है ना, वैसे ही हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर नेम? क्या है ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स, जब आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो वो आपको पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, पूछते हैं ना, तो आप क्या बताते हो? सिर्फ आपका नाम बताते हो क्या? राहुल, मीना, श्वेता, पूजा, ऐसा नाम बताते हो क्या आप? तो आपको क्या बोलना है? सिर्फ आपको नाम नहीं बताना है, आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। दैट फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज, अगर आपका नाम जो भी हो वो आपको बताना है। ओके, माय नेम इज पूजा, माय नेम इज राहुल, ऐसे आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। ओके, अगर कोई आपको पूछता है व्हाट इज योर नेम, देन यू हैव टू से दैट माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आपको बताना है। ओके, सो नाउ वी विल राइट द आंसर। You have to write here ANS. It means answer, okay? जब हम आंसर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ANS. MY, my, थोड़े स्पेस छोड़नी है आपको. Then you have to write my name, NAME, name. फिर आपको थोड़ी स्पेस छोड़नी है और फिर लिखना है IS, is.
माय नेम इज, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम स्वाति है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्वाति, SWATI, स्वाति। ओके, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। जैसे ही मैंने मेरा नाम लिखा है वैसे ही आपको आपका नाम लिखना है। ओके, माय नेम इज स्वाति। ओके, और जब आप आपका नाम लिखोगे ना, तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। हम किसी का जब नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अदर शुड बी स्मॉल। ओके, यही क्वेश्चन हमें फिर से लिखना है। QUEWHATY वॉट स्पेस इज स्पेस YOUR योर स्पेस नेम क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क। आपको हर वर्ड के बिटवीन एक छोटी सी स्पेस छोड़नी है। ओके, आंसर MYMY स्पेस NAME नेम स्पेस इज स्पेस स्वाति। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। ओके, मैंने मेरा नाम लिखा है लेकिन यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। माय नेम इज स्वाति। WHATY वॉट इज YOUR योर NAME नेम क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट वेरी प्रॉपरली इन अ 4 लाइन्स। ओके, नाउ आंसर MYMY NAME नेम IS इज SWATI स्वाति। क्वेश्चन WHATY वॉट IS इज YOUR योर NAME नेम क्वेश्चन मार्क। आंसर MYMY NAME नेम इज SWATI स्वाति। QUE क्वेश्चन WHATY वॉट इज YOUR योर NAME नेम क्वेश्चन मार्क। आंसर MYMY NAME नेम IS इज स्वाति। माय नेम इज स्वाति। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट लाइक दिस। सेम ऐसे ही आपको नेक्स्ट पेज पे भी लिखना है। ओके, यू हैव टू राइट इट 2 टाइम्स। सेम ऐसा ही आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है 2 टाइम्स। ओके, एंड देन क्लिक द फोटो, सेंड टू द ग्रुप। बाय बाय।